नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल टेस्टीलर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो कंपनी लॉ से संबंधित है। कंपनी लॉ में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कंपनी की परिभाषा क्या होती है, कंपनी की परिभाषा क्या होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम सारे लोग समझ लेते हैं, एक छोटा सा मैसेज आप सारे लोगों के लिए कि अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर और भी ऐसे ही वीडियो आपको देखने हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड, जैसे ही अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाया करें। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपनी की परिभाषा क्या है। तो कंपनी की परिभाषा समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जान लें कि ये कंपनी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई। ओके, तो कंपनी शब्द की उत्पत्ति के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है। कहानी कुछ ऐसे है कि प्राचीन समय में रोम में जब लोग भोजन के लिए एकत्रित होते थे तब उस समूह को कंपनी कहा जाता था। थोड़ा सा और डीपली जानने का प्रयास करें। इस प्रकार कंपनी शब्द का आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से था जो भोजन के लिए एकत्रित होते थे। नॉर्मली आज भी लोग कहते हैं कि भाई मैं आज घूमने जा रहा था तो किसी की कंपनी चाहिए, मैं खाना खाने जा रहा था कंपनी चाहिए। अपने यहाँ बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भैया ज़रा कंपनी दो उनको। या कोई अकेला बैठा होता है, दो लोग बैठे होते हैं तो लोग बोलते हैं ना कंपनी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। कंपनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के दो शब्द कम और पेनिस, दो शब्द हैं कम पहला और दूसरा है पेनिस, से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमशः साथ साथ और रोटी होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कम मतलब होता है रोटी, सॉरी कम मतलब होता है साथ साथ और पेनिस मतलब होता है रोटी। ये लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो साथ साथ रोटी का मतलब हो गया कि साथ साथ भोजन करना, मतलब इकट्ठे बैठ करके लोग भोजन कर रहे हैं, तो उस समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। ये तो हो गई कंपनी के शाब्दिक अर्थ की बात, लेकिन एक्चुअल में कंपनी क्या होती है। तो आधुनिक भाषा में हम लोग कंपनी को समझते हैं कि आधुनिक शब्दों में जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार या व्यवसाय को चलाने का अनुबंध करते हैं तो ऐसे समूह को सामान्यतः कंपनी समझा जाता है। ओके, कई सारे लोग मिल गए, मिल करके किसी व्यापार या व्यवसाय को चलाने का अनुबंध किया आपस में, और आपस में क्या किया, अनुबंध किया, तो ऐसे समूह को सामान्यतः कंपनी समझा जाता है। विधिक रूप से कंपनी की परिभाषा भिन्न होती है। अब अगर विधिक रूप से कंपनी की परिभाषा समझने का प्रयास करें तो वो अलग होती है इससे। वो क्या होती है, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी जो अधिनियम है वो 2013 की धारा 2 और उसकी उपधारा 20 के अनुसार कंपनी से इस अधिनियम के अधीन या पूर्ण कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी से अभिप्रेत है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो ये जो परिभाषा है ये विधिक लैंग्वेज में है। कंपनी से इस अधिनियम के अधीन या पूर्ण कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी से अभिप्रेत है। ओके, अब अगर ठीक से देखें तो यह परिभाषा ना तो पूर्ण है और ना ही संतोषजनक। पहली बात कि पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, और ना ही इसमें कंपनी क्या होती है इसके बारे में ठीक से बताया गया। ओके, तो इसलिए कंपनी को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें विभिन्न विविधताओं के और न्यायविदों की परिभाषाओं को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे न्यायाधीश लिंडले के अनुसार। न्यायाधीश लिंडले क्या कहते हैं, न्यायाधीश लिंडले कहते हैं कि कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का एक संघ या समुदाय है जो एक संयुक्त कोष में अपने धन या धन के बराबर किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं और किसी सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं।
अब इसको थोड़ा सा और हम लोग ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह जो मिल गए, इकट्ठा हुए, और उन्होंने क्या किया, अपने एक संयुक्त तो कोष बनाया, और उस संयुक्त कोष में धन या धन के बराबर की कोई चीज उसमें रखी, और एक सामान्य उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्य के लिए उस धन या वस्तु को खर्च किया या उसका उपयोग किया। तो ये जो पूरी व्यवस्था बनेगी, पूरा सिस्टम बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। मुझे आर लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और न्यायाधीश है, उनके बारे में समझते हैं। न्यायाधीश मार्शल के अनुसार कंपनी एक अदृश्य अमूर्त एवं कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी क्या है, एक अदृश्य जो कि दिखाई नहीं पड़ती, अमूर्त जिसका कोई स्वरूप नहीं है, एवं कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल विधिक दृष्टि में है। केवल लॉ में देखा जाए तो उसका अस्तित्व है, विधि द्वारा सृजित होने के कारण इसकी वे ही विशेषताएं हैं जो उसे उत्पन्न करने वाले अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। ठीक से समझने का प्रयास करें तो कंपनी क्या है, अदृश्य है, अमूर्त है, कृत्रिम रूप से बनी हुई चीज है जिसका केवल विधिक दृष्टि में ही जिसका अस्तित्व होता है, और इस चूंकि यह विधि द्वारा सृजित होती है, बिजनेस को बनाया है, तो इसकी वही विशेषताएं होती हैं जो उसे बनाने वाले अधिकार पत्र में दी गई हो। ओके, एक और हमारे न्यायाधीश हैं श्रीमान वकले, न्यायाधीश वकले के अनुसार कंपनी शब्द में दो बातें निहित होती हैं। कंपनी में दो बातें होती हैं, पहला कंपनी रूपी संघ या समुदाय के सदस्य इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि उसे फर्म या भागीदारी नहीं कहा जा सकता। अब दो शब्द नए आ रहे हैं, फर्म और भागीदारी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, इसके सदस्य या सदस्यों के हितों या हित के अंतरण के लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा और डीपली समझने का प्रयास करते हैं कि एक तो कंपनी का मतलब हो गया कि इतने ज्यादा सदस्य हों, बहुत ज्यादा सदस्य हों, इतनी अधिक मात्रा में सदस्य हों कि उसको फर्म या भागीदारी ना कहा जा सके, पहली बात। और दूसरी, इसके सदस्य या सदस्यों के हित या हितों के अंतरण के लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। अब अगर कोई एक सदस्य है या कई सारे सदस्य हैं, वे अपने हितों का अंतरण करना चाहते हैं, हितों को का अंतरण करना चाहते हैं, तो उसमें और जो सदस्य हैं उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। ओके, एक और न्यायाधीश हेले हेले के अनुसार समझते हैं कंपनी क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित करना। तो लाभ अर्जित करने के लिए जो ऐच्छिक संस्था बनाई जाती है, जिसकी पूंजी अंतरणीय अंशों में विभक्त होती है तथा जिसके स्वामित्व के लिए सदस्यता आवश्यक होती है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक से समझते हैं कि भाई कंपनी की फॉर्मिंग क्यों होती है, लाभ अर्जित करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए पहली बात, और उसकी जो पूंजी होती है वो अंतरणीय अंशों में विभक्त होती है, छोटे छोटे उसके शेयर्स बना करके उनको अलग अलग विभाजित करके रखा जाता है, तथा जिनके स्वामित्व के लिए सदस्यता होनी आवश्यक होती है। ओके, तो आई होप आप सारे लोगों को कंपनी के बारे में मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई होंगी। उपरोक्त परिभाषाओं का निष्कर्ष यह निकलता है कि कंपनी अनेक व्यक्तियों का ऐसा स्वैच्छिक संघ या समुदाय है, अनेक व्यक्तियों का ऐसा स्वैच्छिक संघ या समुदाय है जिसका सृजन किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, तथा इसके प्रत्येक सदस्य द्वारा सामान्य कोष में धन या धन के स्वरूप अन्य संपत्ति का अंशदान किया जाता है। ओवरऑल कंपनी क्या है, लाभ अर्जित करने के लिए एक संघ है, स्वैच्छिक संघ है, जिसमें उसके जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, अब अंशदान करते हैं, किस चीज का अंशदान करते हैं, धन या धन के समान किसी अन्य चीज का अंशदान करते हैं, और फिर उसका उपयोग करते हैं। उपयोग क्या, किस करने के लिए रहे? उसका जो भी उद्देश्य होता है, कंपनी का जो भी उद्देश्य होता है उसके लिए उस धन या जो भी अंशदान की चीजें हैं उनका उपयोग करते हैं। ओके, तो आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटी सी एक बात और है कि विधि की दृष्टि में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति या निकाय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं कि सिद्ध करिए कि कंपनी
एक कृत्रिम व्यक्ति या निकाय है, ये सिद्ध करने की बात आती है, तो उसके लिए हमको कंपनी की परिभाषा को बहुत ही विस्तृत रूप से लिखने की जरूरत पड़ती है। इसमें अपने जितने भी न्यायाधीश थे उन सारे लोगों के की जो परिभाषाएं उसको रटनी जरूरी है। एक जो कंपनी की परिभाषा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 20 में, थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन उसको रटना पड़ेगा, और वो तब और अच्छे समझ में आएगी जब हम कंपनी की परिभाषा को ठीक ढंग से पूरा समझेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ओवरऑल और सारी वीडियोस देखनी है ऐसी इस टाइप की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस करें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो इसी के साथ आप सारे लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो, आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें।